नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों को सबसे पहले गणपति महोत्सव की, गणेश चतुर्थी की, कलंक चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। आपके जीवन में गणपति बप्पा जो हैं सुख समृद्धि और सौभाग्य लेकर आए। एक छोटी सी वंदना आपके लिए ज़रूर कहूंगा, नारद पुराण और संकटनाशन गणेश स्तोत्र का जाप जरूर करेंगे, उसको रिसाइट करके मैं अभी आपको बता रहा हूं। लेकिन आप गणेश चतुर्थी पर चंद्रमा के दर्शन करने से बचें, ये जरूर आपको कहना चाहूंगा। तो लीजिए, अथ नारद पुराणे संकटनाशन गणेश स्तोत्रम पठेत। प्रणम्य शिरसा देवी गौरी पुत्र विनायकम भक्तावासम समीर नित्य आयु कामार्थ सिद्धे प्रथम वक्रतुंड च एकदंतम दुत्यकम तृतीयम कृष्ण पिंगाक्ष गजवक्त्रम चतुर्थकम लंबोदरम पंचम च षष्ठम विकटमेव च सप्तम विघ्न राजेन्द्र धूम्रवणम तथाष्टम नवम भालचंद्र च दशम तु विनायकम एकादशम गणपति द्वादशम तु गजाननम द्वादशतानि नमानि त्रिसंध्य पठेन नर न च विघ्न भयम तस्य सर्वसिद्धिकर प्रभु विद्यार्थी लभेत विद्याम धनार्थी लभेत धनम पुत्रार्थी लभेत पुत्रान मोक्षार्थी लभेत गतिम जपेद गणपति स्तोत्रम षड्भिमार्षे फलम लभेत संवत्सरण सिद्धिम च लभेत नात्र संशय अष्टव्युब्राह्मणेश्च लिखित्वा य समर्पयेत तस्य सिद्धा भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। श्री गणेशाय नमः। बहुत सारी शुभकामनाएं। इस स्तोत्र का पाठ करने से हर असंभव काम भी संभव हो जाते हैं। गणपति बप्पा हम सभी के जीवन में विपदाओं को टालें, संकटों को हरें और हम फिर से अपने जीवन में कोरोना को क्रॉस करते हुए अपने जीवन में सुख और समृद्धि ज़रूर लेके आएं। बप्पा से हम यही प्रार्थना करते हैं। आप सभी दर्शकों को, आप सभी मित्रों को फिर से गणेश जी के जन्मोत्सव की, गणेश उत्सव की बहुत सारी शुभकामनाएं। गंग गणेशाय नमः। हर हर महादेव। नमः शिवाय।